क्षमा आपा, मैंने तो बड़ा सुना है कि तुमने मोहल्ले में बड़े ढंडोरे पीट रखे हैं कि मैं बड़े बड़े रिश्ते करवाती हूँ। अब जरा मेरे भाईजान के लिए कोई रिश्ता ढूंढ के बता दो जानू। जरूर कराएंगे। और हाँ खाला, जरा अपनी पिंडारी में से एल्बम तो निकाल के दिखाए मुझे। अरे भाई निकालती हूँ, इस कदर बेचैन क्यों हो रही हो आखिर? जाहिर सी बात है, बात ही ऐसी है। लो भाई लो, लो तुम इसमें से देख लो कोई लड़की। इसकी तो शक्ल सूरत ही ठीक नहीं है। नहीं नहीं खाला, मुझे तो कोई लड़की दिखाएं, मुझे लड़की चाहिए औरत नहीं। अच्छा भाई देखो, देखती हूँ, तस्वीरें तो कुछ बड़ी होंगी। देखो, मेरा ख्याल है कि देखने में तो लड़की ही लगती है ये। लड़की? खाला 40 से कम की नहीं लगती। मगर औरत बहुत अच्छी है और तुम्हारे भाई रफीक के लिए निहायत मौजू रहेगी। ओह खाला, जो भी हो, मैंने तो कह दिया ना कि मुझे बस लड़की की तस्वीर दिखाएं, बस। अच्छा देखो मैं देखती हूँ, एक और एल्बम पड़ा था इसमें। हाँ ये क्या, लो अब तुम इसमें से देख लो, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आ जाएगी कोई ना कोई। खाला इसकी तो शक्ल सूरत ही ठीक नहीं है, और इन्हें देखो, ये तो शक्ल से ही बेवा लग रही हैं। हाय 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 तोबा, इतनी डरावनी, ये तो जिंदगी भर भैया को डराती और धमकाती रहेगी। और इन्हें देखो, इतनी नाजुक कि हाथ लगाओ तो कांच की तरह टूट के बिखर जाए। ना बाबा ना, ना आपा, मुझे तो किसी लड़की की तस्वीर दिखाएं, खूबसूरत और वो भी कुंवारी। देखो वो जो तुम्हारे भाई रफीक है ना, वो देखने में 55 से कम की नजर नहीं आते। क्या वो किसी खूबसूरत और कुंवारी लड़की से ब्याह रचाते हुए अच्छे लगेंगे? वो खाला, तुमसे कह दिया ना कि मुझे लड़की चाहिए खूबसूरत और कुंवारी, और तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल बात है, उनकी उम्र जितनी भी हो। अगर तुमसे नहीं बन पड़ता तो मैं रशीदा आपा से बात करूँ, वो भी बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते करवा रही है मोहल्ले में। हाँ हाँ भाई, बड़े अच्छे रिश्ते करवाती है। अरे एक महीने में शादी के बाद तलाक की नौबत आ जाती है। अच्छे रिश्ते करवाती है रशीदा। अच्छा तो खैर तुमने भी तो हाथ पैर छोड़ दिए, चलो तुम ही संभाल लो इस बात को। अजी तुम्हें इतनी जल्दी क्या है आखिर है? अरे गरम निवाला निकले तो गला जल जाता है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ देखती हूँ, शायद कोई अच्छी सी तस्वीर। ये बस आखिरी तस्वीर है, कसम ले लो जो इसके बाद मेरे पास कोई तस्वीर हो। ओहो आपा, बहुत खूबसूरत लड़की है, तो तुमने पर्स में छुपा के रखी थी इतनी अच्छी लड़की की तस्वीर? नहीं मैंने छुपा के कहाँ रखी थी, वो तो पर्स में कहीं इधर उधर हो गई थी, मैंने तुम्हें दे दी निकाल के। वैसे एक बात बताऊँ, ये लड़की बहुत कम उम्र है, भाई रफीक के लिए तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहेगी, उनकी बेटी लगेगी बिल्कुल। ये फैसला तो हमने करना है कि उन्हें भावज बनाए या बेटी, तुम तो बस ये बताओ कि ये रिश्ता करवा रही हो या नहीं। मगर ये है बड़ा मुश्किल काम। अरे इस लड़की की माँ को राजी करना जान जोखों का काम है। वैसे ये है किनकी बेटी, बड़ी खूबसूरत लड़की है? अरे वो पानी की टंकी के पास रहती है ना, वो क्या नाम है, रजिया बेगम। हाँ वो सिलाई कढ़ाई का भी काम करती हैं। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। उन्हीं की बेटी है ये। अरे रजिया बेगम को तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लड़की है। बस आप तुम ये रिश्ता करा दो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी मैं। देखो वादा तो नहीं करती, बस कोशिश करूंगी, बाकी अल्लाह की मर्जी। वैसे है ये बड़ा मुश्किल काम, रिश्ते को इतनी आसानी से थोड़े ही हो जाते हैं, बहुत तगोदो करनी पड़ती है इसके लिए।
मुलाकात हो जाती है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं खाला, मैं अक्सर यहाँ मुलाकातें करता रहता हूँ। बंदा नाजी सलाम पेश करता है खाला। देख जाकिर, अगर तू खैरियत चाहता है ना तो सीधी तरह यहाँ से चला जा खामोशी के साथ। अरे चला जाऊंगा खाला, चला जाऊंगा। फिकर किस बात की कर रही हो? मैं कह रहा हूँ दो चार प्यार मोहब्बत की बातें तो हो जाए। मैंने कहा ना, अपनी ओछी हरकतों से बाज आ जा, वरना वरना तुझे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अरे खाला, अगर तू कहे तो तेरी बेटी से शादी की कीमत भी अदा कर दूं। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? हम बाजार में बैठे हैं कि तू हमें कीमत देगा? हे, समझा क्या है तूने हमें? चल जा यहाँ से वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, चल जा। अरे खाला, शराफत का तो जमाना ही नहीं। हमीद बिल्कुल ठीक कहता था, घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ेगी मुझे। अम्मा चलो यहाँ से। अम्मा अरे चली जाना मेरी जान, इतनी जल्दी क्या है? अरे दो चार प्यार मोहब्बत की बातें हमसे भी कर लो। मेरा बनेगा, मैं हूं ना, आखिर मेरा काम ही यही है। मगर करमदार, इस पे खर्चा कितना बैठ जाएगा? पचास से साठ हजार रुपए लग जाएंगे करामत भाई। मगर करमदार, इतने में तो पूरा एक सेट मकान बन जाता है। अरे वाह करामत भाई, आप भी कैसी छोटे बच्चों जैसी बातें करते हैं। इस महंगाई के दौर में अगर 60,000 में एक कमरा बन जाए तो गनीमत जानिए। मगर करमदाद, आप पैसे भी तो बहुत ज़्यादा बता रहे मुझे। ठीक है फिर, लकड़ी का कमरा बनवा लो, पैसे में कुछ कमी हो जाएगी। वरना सीमेंट, बजरी, रेती, गुलाब, इसका हिसाब किताब तो अलग है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मगर काम ज़रा जल्दी करवा देना। आप फिक्र ही ना करें करामत भाई, मैं हूँ ना। बस आप आज सारे पैसे मेरे हाथ पे रखें, इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद कमरा तैयार। मगर इससे ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए करवाई। आप फिकर ना करें, मैं हूं ना। पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है, ऐसा करना शाम में मेरे पास दुकान पे आ जाना, मैं आपको पैसे वहीं दे दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम में दुकान से आके रकम ले जाऊंगा और इंशाल्लाह सुबह मजदूरों को भेज के काम शुरू कराऊंगा। ठीक है, अल्लाह। अच्छा सलाम। और आ करामत भाई, फिकर ना करना, मैं हूं ना। भैया, ये आप कमरा किसके लिए बना रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए और किसके लिए? मगर क्यों? भाई सारी जिंदगी क्या तू मेरे कमरे में सोएगा? भाई शादी के बाद भी तुझे अकेला रहना है। किसकी शादी? अबे मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूं, अपनी। तो आप शादी कर? नहीं नहीं, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा हूँ, मजाक। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा चल जा, मेरा दिमाग मत खा यहाँ बैठ के। Thank you.
शाम से ही आगे तंग करने के लिए मौत क्यों नहीं आती कमबख्तों को, ऐसा क्यों नहीं हो जाता मुझों को? अरे रिजवाना, अरे दरवाजा तो खोलो मेरी जान, अरे मुझसे शादी करोगी? अरे बाहर तो आओ। बात सुनो, आई इधर आओ, इधर आओ। वो तुम्हारे भैया हैं? क्यों? अरे भाई मुझे कुछ काम है उनसे, बात करनी है मुझे। एक बात आपसे तो मुझे भी करनी है। हैं? तुम्हें भी क्या अपनी शादी करानी है? मैं शादी करूं या ना करूं इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। देखो जरा, अरे किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? कैसे बदतमीज लड़के हो। बदतमीजी तो अभी मैंने की नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ आना जाना बंद नहीं हुआ ना तो मैं बदतमीजी कर भी सकता हूँ। सुनो जरा, हैं? अरे मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने जाने का। हाँ, अरे वो तो तुम्हारे भैया ने मुझे अपने लिए शादी के लिए औरत तलाश करने को कहा था, इसलिए मैं आती हूँ शादी के लिए। तो अरे तुम्हें कोई एतराज है इस बात से? हाँ हाँ एतराज है, और एक बात आप कान खोल कर सुन लें, मेरे भाई के साथ ऐसे शादी के चक्कर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह वाह, अरे उम्र के लिहाज से तो तुम्हें एक बालिश के भी नजर नहीं आते, और बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी। ये तो बाद में पता चलेगा मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ। लगता है मुझे उसके भाई से बात करनी ही पड़ेगी। क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने, मेरे भाई से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और ये जो आप ये रिश्ते कराती फिरती है ना, और यहाँ पर आती जाती हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी बहाने पता नहीं यहाँ से क्या क्या मुफ्त उठा ले जाती हैं। अरे ये लड़के देख, लगाम दी अपने सामान को। हाँ अरे मैं कोई मुफ्त हो रही नहीं हूँ जो मुफ्त में चीजें उठाने यहाँ आ जाऊंगी। हाँ अरे वो तो तुम्हारे भैया मुझे खुद ही देते हैं। उनको आप जो शादी का लालच देती है ना, इसलिए देखो जरा है। अरे कैसा अजीब लड़का है ये। लड़के देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो। हाँ अरे मेरा नाम भी शमा है, शमा। मेरे मुंह लगने और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना जला के भस्म कर दूंगी तुम्हें। हाँ यूं यूं कर रहे हैं मेरा। अच्छा वो तुम आगे जरा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो और नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। और हाँ, सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया, बड़े जोर की भूख है।
तो भाईजान इसलिए तो कहती हूँ कि आप शादी कर लें। अगर आपने शादी कर ली होती ना तो आपको ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। आते फिर वही नसीहतें शुरू कर दी। नसीहतें? मैं नसीहतें कहाँ कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कह रही हूँ। जानता हूँ तुम्हारी बात का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे काम करती हूँ ना, इसलिए मुझ पर एहसान जता रही हूँ। क्या जमाना आ गया, बहने भी अब एहसान जताने लगी। अब आप ऐसा भी ना कहिए भाईजान, आखिर आपकी बहन हूँ, अगर थोड़ा सा मजाक कर लिया तो क्या हुआ। मैं बच्चा हूँ ना, मुझसे मजाक करके दिल बहला रही। ओहो भाईजान, आप भी ना। छोड़ो, जाके नाश्ता मेरे लिए बनाओ जल्दी। बना रही हूँ, नाश्ता भी बना रही हूँ, आखिर इतने सारे काम एक साथ तो नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा ठीक है। को वो दोनों पंडित फिर आए थे, इससे पहले आए थे तो धमकी देके गए थे कि अगर मैंने रिजवाना की शादी कहीं और कर दी तो मेहर को उठा के ले जाएंगे। तो मामला यहां तक पहुंच गया। चलो, लगता है अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ शमा, तुम्हें कुछ करो, मुझे तो उन बदमाशों से बहुत डर लगता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम बिल्कुल फिकर मत करो, अब वो कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने उनके लिए एक तरकीब सोच रखी है। अच्छा, क्या? अरे वो जो अपने रफीक भाई है ना, उनको तो तुम जानती हो, वो जो पेशकार हैं, क्यों ना हम उनके पास चले। अरे ऐसे तो छोटी मोटी आसामी है, उनके सामने तो बड़े बड़े अफिसर हाथ बांधे आगे पीछे फिरते हैं। अच्छा, तो वो क्या करेंगे? अरे हम उनसे कह के उन दोनों गुंडों का दिया पांचा करवा देंगे। हाँ, ठिकाने लगवा देंगे उनको। और क्या, अगर ऐसा हो जाए तो कमबख्तों से जान छूटे। हर रोज मकान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अच्छा, तो फिर कब चलेंगे वहाँ? अरे मैं तो कहती हूँ कि अभी जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अभी? हाँ ठीक है, चलते हैं। मैं जरा बच्चियों को बता दूँ, फिर चलते हैं। शायद इस तरह इन दोनों के दरमियान कोई बात बन जाए और रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए खुद ही कोई रास्ता निकल आए। मान ही जाएंगे। अगर भाईजान मान गए हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन उन्होंने भी किसी दुल्हन की तरह देर लगाने में कसर नहीं छोड़ी। बस आप खैर, ये बताओ कि उस शमा के शोले ने कोई लड़की वड़की भी दिखाई या नहीं? हाँ जी, लड़की दिखाई भी है और मैंने देखी भी है। रिजवाना नाम है लड़की का। रिजवाना? अरे नाम ही इतना खौफनाक है तो उसकी शक्ल सूरत कितनी खौफनाक होगी। 36-37 की तो होगी ही। अरे भाई फिर वो तो लड़की तो ना हुई, औरत हो गई। देखो भाई आपदा, हमारे भाईजान बहुत माकूल आदमी हैं। बेहतरीन नाक नक्शा, दरमियाना कद, भूरा रंग और खिजाब तो ऐसा है कि पकड़ा ही ना जाए। अरे शर्तिया नया प्रिंट है, बिल्कुल जवान है। हाँ बस आप देखते जाइए, लड़की अगर 17 से ज्यादा की भी हो ना तो मुझे बताइएगा। ये तो बाद में पता चलेगा। अरे आपा, लड़की क्या है, बस देखते रहने को जी चाहे। नाजुक इतनी के जैसे पहली का शर्माया हुआ चांद जमीन पर उतर आया हो, और शक्ल इतनी प्यारी कि देखते रहने को जी चाहे। तोलो तो पांचवे के बाद छठा फूल ना चढ़े। रंगत ऐसी जैसे कुंदन, जिसम में हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चपेट दिया गया हो। निस्वानियत इस गज़ब की कि दर्जन भर औरतों का सत निचोर कर भर दिया गया हो, गरम गरम लपटे से निकलती हैं। अच्छा भाई, अगर कुछ और बातें रह गई हो ना तो वो भी बोल दो। कोई नया कसीदा अलापो। अबे इसको सही करना, चलना इसको, ये देख इसको भी टाइट कर। सारा रास्ते में धड़ 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 धड़
ऐसे नाराज होके जा रहे हो जैसे हमारी बरसों से दुश्मनी चल रही हो है भाई? अरे भाई ये तो ज्यादती की बात है ना, तुम रोज यहाँ से गुजरते हो है, कभी कभार हमारे साथ बैठ के चाय भी पी लिया करो। आओ तुम्हें मैं चाय नहीं पीता। अरे तो चाय नहीं पीते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बोतल पिला देते हैं, अगर कहो तो अंगूरी पानी भी पिला दें। मेरे को जाना है, मुझे जाने दो। अरे चले जाना मेरी जान, चले जाना, इतनी जल्दी भी क्या है, कौन सी रात होने वाली है या कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूटने वाली है। वैसे इस वक्त तुम जा कहाँ रहे थे? मेरी होने वाली सास गया। अरे भाई कभी हमें भी अपने साथ ले चलो, ईमान से दिल खुश कर देंगे तुम्हारा। मैं ऐसे काम नहीं करता। अरे तुम मियां, ये दिल का सौदा है, दिल की बात है, तुम हमें एक बार अपने साथ उनके यहाँ ले चलो और हमारा चक्कर रिजवाना से चला दो, और तुम उसकी बहन के साथ अपना चक्कर चलाते रहना, हिसाब बराबर। क्या बात है, क्या बात है, और ही कुछ हमें भी तो बताया जाए। अरे भाई हम अपने होने वाले संडू जी से प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहे थे। संडू जी वाह जाकिर, क्या कमाल की जोड़ी यार है। लेकिन हमारे सांडू साहब हमसे कुछ खिंचे खिंचे से हैं यार, एक यही तो हैं जिनसे अपना काम बनने वाला है, अब इनसे अपनी दोस्ती नहीं हुई तो यार मामला आगे कैसे बनेगा। देखो मुझे जाने दो, मुझे काम है, जाने दो मुझे। अरे चले जाना, इतनी जल्दी क्या, आओ चलो आओ छोड़ो आ जाओ। मेरी साइकिल तो वापस कर दो। देखो मेरे को जाना है, साइकिल वापस कर दो, छोड़ दो। अरे भाई चाय पिए बगैर तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे यहाँ। मेरा अकेले होते हैं ना इसलिए। इसका मतलब है तुम आज भी बाहर नहीं आओगी? अम्मा मना करती है ना। ये बताओ तुम मेरे लिए सिपारी लाए? नहीं आज नहीं लाया। सही है भाई सही है, अब तो तुम भी कंजूसी करने लगे हो। मजाक कर रहा हूँ। ये मीन बात सुनो। तुम झूले पर आओगी? अम्मा ने छोड़ा तो धीमी धीमी सी थोड़ी अनकही। इजाजत मेरा नाम है मोहब्बत दो दिलों। मेरा ख्याल है इनको तो आप दोनों जानती हैं। इनको तो बहुत अच्छी तरह जानने लगी हूँ मैं, बल्कि आपकी वजह से इन बहुत अच्छी तरह जान पहचान है इनसे। तो आप था वही जिनसे भाईजान के रिश्ते की बात की थी, उनकी अम्मा है। अच्छा अच्छा, रजिया बहन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देखिए हमारे लायक कोई काम हो ना तो ज़रूर बताइएगा जी। वो दरअसल इनके साथ एक मसला पेश आ गया था, इसलिए मैं इनको लेकर यहाँ आई हूँ। मसला? ऐसा कौन सा मसला है बताइए। बस जी वो हमारे मोहल्ले में कुछ बदमाश लड़के हैं जी, वो उनकी मेरी बच्चियों पर नज़र है और हमें धमकियाँ देते हैं कि उनको उठा ले जाएंगे।
बहुत ही परेशान किया जी उन्होंने। नहीं, इनकी कहने का मतलब ये है कि आप जरा भाई रफीक से कह के थाने में किसी को कह दें और उन बदमाशों को थाने की सैर करवा दें। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, बल्कि ये तो बहुत इत्तेफाक की बात है कि भाईजान घर पे ही मौजूद हैं और मैं उनसे कह देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी SSP, SP, DSP उनके मुरीद हैं वो। मैं अभी उनसे बात करती हूँ, अभी क्या क्या आपका मसला। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, अब तो एक ही बात है ना। हैदर, हैदर, हैदर। जी भाई। क्या कहा है, वरना मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तू मुझे याद रखेगा, समझा तू मुझे। भैया भैया, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपकी शादी के बारे में। मैं शादी करूँ या ना करूँ तुझे क्या तकलीफ है। अबे तुझे इस घर में कोई तंग कर रहा बता। अबे शुक्र अदा कर, मैं चाह रहा हूँ इस घर में कोई काम काज करने वाली आ जाए, समझा नहीं तू। अबे मैं तेरी भलाई का सोचता हूँ और तू मेरा बाप बना फिरता है। अबे अपने आप को कंट्रोल में रख, ढक के देखे डालूंगा, समझा तू। और हाँ एक बात तू कान खोल के सुन ले, अगर तुझे इस घर में रहना है तो शराफत से रहे, वरना जहाँ तुझे दो वक्त की रोटी मिलती है वहीं चला जा। बे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, समझे। और हाँ सुन, मैं जा रहा हूँ अपनी शादी की बात पक्की करने, समझे। भैया को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि मेरा भी दिल है, मैं भी रिजवाना से मोहब्बत करता हूँ और मेरी भी शादी की उम्र है, लेकिन भैया को न जाने क्यों समझ ही नहीं आता। अपनी फिक्र तो है लेकिन कभी पूछा तक नहीं कि कुछ मैंने भी अपनी जिंदगी के बारे में फैसला किया है या नहीं। भाईजान वो अपनी रजिया चाची आई हैं, बहुत परेशान हैं, उनके मोहल्ले में दो बदमाश रहते हैं, उन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है उन्हें। तो मेरे सामने ये किस्सा क्यों छेड़ रही हो, मैं कोई पुलिस में मुलाजमत थोड़ी करता हूँ। बेशक आप पुलिस में मुलाजमत नहीं करते, लेकिन SHO DSP किसी से कह के उन लड़कों को थाने तो भिजवा सकते हैं, किसी की बहू बेटी की इज्जत का सवाल है भाईजान। एक बात तो बताओ, तुम्हें इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वैसे अगर उस खातून को इतने ही गुंडों ने परेशान कर रखा है तो वो खुद जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाए, मुझे इस मामले में उलझाने की क्या जरूरत है। भाईजान मोहल्लेदारी भी कोई चीज होती है। इससे पहले तो तुम्हें कभी मोहल्लेदारी का इतना ख्याल नहीं आया। बहरहाल आप मेरे साथ बाहर चले और चाची की जबानी खुद उनकी बात सुने कि वो कितनी परेशान है। देखो आपदा में भाईजान, आप हम बहनों की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते, प्लीज। अच्छा चलो आइए, अब इतना मुंह बनाने की भी जरूरत नहीं है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, ऐसी उठी है अभी। अबे क्या हंसता रहता सारा दिन है? चल। अरे दिल में एक लहर सी। Thank you.
आखिर तू है? हाँ मेरा नाम है, बोल। काम है तो आया हूँ। तो बोल ना, सुन रहा हूँ। करीम भाई ने भेजा है। ये लीजिए, आप तो भाईजान को लेके यही आ गई। भाईजान चाची को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम जी। चाची मेरे भाईजान को सारी बात बता दी है, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। जी वो एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त करें जी, उन्होंने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। सारा मोहल्ला जानता है कि हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं जी। अरे चाची, आप तो इन्हें अपना बेटा समझ के हुक्म भी दे सकती हैं। देखिए, जो कुछ मुझसे हो सका मैं करूँगा। मैं थाने फोन कर देता हूँ, जो कुछ हो सका आप इत्मीनान रखें जी। शुक्रिया। अच्छा क्या हुआ यार जाकिर, अब बता भी दे ये साला करीम है कौन। अबे यार तू मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता यार? तू तो जानता है हमेशा उसी चीज की तड़प होती जिसकी ममनायत की जाए। यार तू उसे जानता नहीं है यार। यार है तो अपनी तरह आदमी, पर यार उसके ताल्लुकात बड़े लंबे लंबे हैं। अरे कानून तक उसकी पहुंच है, हम तो उसके सामने जर्रा भी नहीं है। मगर ये करता क्या है यार? करना क्या है यार, वही जो हम करते हैं। बस फर्क इतना है कि हम जरा छोटी छोटी चोरी करते हैं, वो बड़े बड़े हाथ मारता है। यार ये तुम्हें किस बात की ऑफर दे रहा है? यार वो कहता है कि तू किसी भी हाल में ना मेरे साथ काम कर, तो मैं इसके लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता। अबे मेरे अलावा भी बहुत सारे लड़कों की तलाश है उसको जो उसके लिए काम करें, यही छोटे मोटे काम, चोरी, अगवा, तावान, मनशियात वगैरह वगैरह। यार फिर तो मुझे ये कोई टॉप चीज़ मालूम पड़ता है। अबे तू एक काम कर यार, बोल जानी। देख अब अगर ये करीम के आदमी आए ना मेरा पूछने के लिए, तो तू उसको कह देना कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, हैदराबाद वगैरह गया हूँ। तू मेरा मतलब समझ गया ना? हाँ हाँ जाकिर, सब समझ गया मैं। अबे यार तुझे तो पता है इसके अलावा भी कई रोग है इस दिल में मेरे। कैसे रोग, और कौन सा रोग है? अबे यार वही रिजवाना वाला यार। यार ये आखिर ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? हम इतने भी घाई गुजरे नहीं कि वो। अबे यार पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, अरे हमें तो घास ही नहीं डालती यार। तो इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि लड़की को उसके घर से उठा लिया जाए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और तुमने भी इस बात की उसकी माँ को धमकी दी थी। अबे यार धमकी तो मैंने इसलिए दी थी कि डर के मारे उसकी माँ लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे देगी। पर यार उसकी माँ तो बड़ी ही तेज निकली बाबू। मैंने कहा था ना जाकिर, घी निकालने के लिए उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। अबे यार मैं इस मामले को उलझाना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि घी सीधी उंगली से निकल जाए बस। अब ये वो जमाना नहीं रहा जाकिर, तू हुक्म कर बस, लड़की को मैं अभी उठा के ले आता हूँ। यार कहता तू ठीक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चला बैठ। चल ऐसे क्यों कह रही हूँ? मैं तो अपना काम करते हुए आ रही हूँ ना। जरीना खाला ने कपड़े दिए, अम्मा को दे देना।
ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी ना, अपने काम से काम रखा करो। मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ, आप ही हैं बस। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझ आई? बाहर आके चिटिया काट के बाहर फेंक दूंगी। इतना आसान नहीं है। क्या 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 कहा तुमने? कुछ नहीं। तुम ना, तुम्हारी मैं चिटिया वाकई में काट के बाहर फेंक दूंगी। दीवार मुझे तंग नहीं करो, मैं उससे जो है शिकायत लगा दूंगी, मुझे बात बात पे डांटती है। तो ठीक है ना, मैं अंदर जाऊँ बाहर जाऊँ, खेलूँ कूदूँ नाचूँ, तुम्हें इससे क्या? और अगर तुमने अम्मा से ज्यादा शिकायत लगाई ना मेरी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई ना? चल जा चाय बना मेरे लिए। फिर अब तो वैसे भी आपकी शादी होने वाली है। शादी? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? शादी? वो भी मेरी? किसने कहा तुझे? श्यामा खाला और अम्मा बातें कर रहे थे। और क्या क्या बातें उनके बीच? और कुछ तो नहीं, बस श्यामा खाला को अम्मा कह रही थी अब बस अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाओ। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? मैं तो झूठ बोलूंगी? हर बात नहीं मान सकता भी, आखिर बताओ तो सही कि वो लड़की कौन है, उसके आगे पीछे कोई है भी या नहीं, कोई खानदान, कोई पहचान, कोई? अरे आपदा, बताओ भाईजान को बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं ये तो। ओहो भाईजान, हमें इस पूरे मोहल्ले में चाची रजिया घर सबसे बेहतर लगा। लाहौल वाला कुवत, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं और रजिया बेगम से शादी कर लूं? ना भाई ना, मैं ऐसे ही ठीक हूं। और भी मैंने तो सुन रखा है कि उसकी दो जवान बेटियां हैं, क्यों तुम लोग मुझे बर्बाद करने पे तुली हो? अरे भाईजान, आप समझ नहीं रहे, आप बैठे तो सही, बैठे ना। लेकिन मैं रजिया बेगम से शादी हरगिज नहीं करूंगा। हमारा मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप रजिया बेगम से शादी करें। तो फिर किससे? अरे भाई, हमने रजिया की बड़ी बेटी को आपके लिए पसंद किया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लड़की है। क्या उम्र है उसकी? यही कोई 17 बरस है ना, है ना भाई? हाँ हाँ, न कम न ज्यादा। अब भाईजान, आपके तो मौज मेले होंगे। कभी कमाल करती हो तुम भी, इस उम्र में मैं 17 बरस की लड़की से शादी कर लूं? बाहर लोग हंसेंगे मुझ पर। अभी तुम लोगों को कोई मेरी इज्जत का पास भी है कि नहीं? ओहो भाईजान, लोगों की तो ऐसी की तैसी। और क्या भाई, तेल देखो, तेल की धार देखो, मर्द साठा और पाठा, औरत बीसी और घीसी। अरे 2-4 साल में सारी कड़ी खुल जाएगी जब बच्चे हो जाएंगे 2-4। ना ये 16 सिंगार रहेंगे, ना ये रंग रोगन रहेगा, ना वो छल्ला जैसी कमर और ना ही बाजुओं का लोच। अरे देखिएगा, अगर कुछ दिनों में आपके बराबर ना लगने लगे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, और 8-10 साल में तो बिल्कुल हमारे जैसी हो जाएगी। फिर भाईजान के लिए 12.5 बरस की लड़के। तौबा, तुम लोगों के दरमियान बैठ जाऊं तो पता नहीं क्या ऑल फॉल बकने लगती हो, इससे तो बेहतर है मैं यहां से चला ही जाऊं।
कमबख्त लड़कों की वजह से नींद नहीं आती। आज पता नहीं तक दस्तक क्यों नहीं हुई। छोड़े ना माँ, चले खासी रात हो गई है, सो जाए। मुझे तो डर है कि ये खामोशी किसी तूफान का पेशकदम ना। छोड़े ना माँ, खासी रात हो गई है, आ जाए सो जाए। वो अपना क्या नाम है यार, वो जाकिर हामिद नहीं थे? अबे इधर बैठते थे, तेरी वर्कशॉप पे भी आते थे, याद है? हाँ, अबे तुझे नहीं मालूम? कहाँ गए वो लोग? पुलिस उठा के ले गई आज सुबह उनको। नहीं यार, सच्ची? बहुत मारा यार। चंबे चंबे? फुटबॉल बना दिया दोनों को। सेट सेट। और सिगरेट कम पिया करो, मर जाएगा। अबे कुछ नहीं होता यार। और उसकी बिरादरी वालों से बात भी कर ली और तुमने देखकर उसे पसंद भी कर लिया। अब वो औरत जो है ना, वो बेवा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो फौरन ही दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएगी। अरे भैया, बड़ी मुश्किल से राजी किया है उसे। अब तुम मुझे एक बात साफ साफ बता दो, तुम उस औरत का अच्छी तरह से ख्याल रखोगी ना? कैसी बातें करी शमा बेगम आप, कौन अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखता? आखिर को मेरी अपनी दुकान है, मेरा अपना जाती घर है। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, अपनी दुकान है, घर है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ। अरे तुम्हारा भाई तो इस रिश्ते को अभी से पसंद नहीं कर रहा है, तो शादी होने के बाद पता नहीं वो क्या कर बैठा। आप उसकी फिक्र ना करो, मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया है। समझाने से काम नहीं चलेगा। मेरा मतलब है फैम शमा बेगम कि मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया कि अगर इस घर में रहना है तो तुझे हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वरना वो इस घर को छोड़ कर चला जाए। हाँ फिर ठीक है, अब मैं उस औरत से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ये हुई ना बात शमा बेगम, तो फिर आप बता दें मैं कब भेजूँ अपने लोगों को उधर? अरे करामत भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा मैं उनसे कोई दिन तारीख तो तय कर लूँ ना। चले ये भी ठीक है। अच्छा करामत भाई मैं चलूँगी, है वो घर में जरा राशन पानी भी खत्म हो गया था, तो जाके कुछ बंदोबस्त करती। अरे शमा बेगम आप भी ऐसा ख्याल करती हैं जैसे हम आपके कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बांध देता हूँ सामान। पता नहीं किस्मत की देवी हमसे क्यों रूठी हुई है। की देवी क्यों होती है अम्मा? होती है बस। वैसे अम्मा आप सोचती बहुत है। सोच ही तो सकती हूँ, अगर बेटा होता तो शायद इतनी परेशानियां ना होती। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, एक तो गुर्बत, ऊपर से घर में कोई मर्द ही नहीं, बेटा अल्लाह ने नहीं दिया और खाबित वक्त से पहले इस दुनिया से चले गए। मेरा ही दिल जानता है किस तरह से मैंने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया। सैम्मा अब्बा के मर जाने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अगर करना भी चाहती तो तुम दोनों के साथ कौन कबूल करता मुझे?
तो क्या आप खूबसूरत नहीं थी? अरे कमबख्त, शादी के लिए खूबसूरती काफी नहीं है। वैसे अम्मा, अगर मैं मर्द होती ना तो मैं आपसे शादी जरूर कर लेती। चल चल, पहले कैसी पागलों जैसी बातें करती रहती, चल भाग यहां से। कौन है? खाला मैं हूँ, हैदर। अच्छा अच्छा, जा बोला। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। खाला मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो। वो जाकिर है ना, और उसका साथी। हाँ उनको पुलिस उठा के ले गई।